चलिए स्टार्ट करेंगे। तो केसेस बच्चा जैसे चैप्टर खत्म होगा सारे केसेस को एक बार साथ में करवाऊंगी। नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा बच्चा, उस बॉक्स को रीड करेंगे। आ जाओ। सेबी की पावर अभी हमने खत्म करी। क्या खत्म करी बच्चा? सेबी की पावर। सेबी की चार पावर थी। सेबी की अगर मैं चार पावर की बात करूं तो सबसे पहली पावर क्या थी बच्चा? टू मेक एन अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, डायरेक्शन इश्यू करेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी को। सेबी सेक्रा के रेगुलेशंस बना सकता है बच्चा, सेबी एडजुडिकेट करवा सकता है। ये सब पढ़ा इन्होंने, कहा भैया वही सेबी की पावर की बात कर रहे हैं। जो अभी पावर हमने चार पावर पढ़ी, सेबी की ये पावर है एप्लीकेबल नहीं है। किसमें एप्लीकेबल नहीं है बच्चा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये क्लियरिंग हाउस नहीं है, बता रही हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, नाम से ही बच्चा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आ जाओ, पहला वर्ड क्या लिखा है? इंटरनेशनल। क्या ये इंडिया की बात करेंगे? नहीं। फिर क्या लिखा है बच्चा? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब हमने जब आपको क्लियरिंग हाउस पढ़ाया था ना बच्चों, उसमें बहुत सारी लिस्ट थी, उसमें वन ऑफ देम कोई क्लियरिंग हाउस था जो कि इंटरनेशनल लेवल में काम कर रहा था। पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लियरिंग हाउस काम क्या करता है? सेटलमेंट करवाता है स्टॉक एक्सचेंज के सारे। तो बच्चा स्टॉक एक्सचेंज बस इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं नहीं है क्या? बाहर भी है, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड भी, लेकिन इंडिया के बाहर के काम कर सकती है ना बच्चा, कहीं के भी करे। रिलायंस कंपनी आज इंडिया में है तो क्या इंडिया के बाहर काम नहीं करेगी? ग्लोबलाइज मार्केट है बच्चा, करो। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का काम कर रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा किसका काम कर रही होगी? बाहर। बाहर किन सारी चीजों से डील कर रही होगी? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। तो एक्चुअल में इन्हें शॉर्टकट में हम IFSC समझते हैं, ठीक है? पूरे लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में ये वर्ड बार बार आएगा। तो IFSC फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेवल में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसा भी काम कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे काम भी वो कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना इंटरनेशनल लेवल में सर्विसेज दे रहे हैं। इनका एक अलग से एक्ट होता है, उस एक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। अलग से इनका एक एक्ट बना है, क्लियर है? चलिए, यहाँ पे दो एक्ट की बात हो रही है, एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। चलिए थोड़ा सा पहले SEZ के बारे में समझाऊ, ठीक है, फिर मैं IFSC वापस से आऊंगी। SEZ क्या कुछ समझते हैं अपन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बता पाओगे? थोड़ा बहुत मारो यार, तुक्का मारो जितना आप बनता है उस बेसिस में। जोन मतलब क्या होता है? एक एरिया, समझना बच्चा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जोन मतलब एरिया। हमारी गवर्नमेंट ना एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो सरकार क्या कहती है? इंडिया में बनाओ और बेचो कहाँ? बाहर। वापस, इंडिया में बनाओ और बेचो कहाँ? बाहर। बाहर बेचने से इंडियन गवर्नमेंट का क्या फायदा? फॉरेन करेंसी आएगी, इकोनॉमिक ग्रो होगा। कैसे होगा? जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। हम फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं ताकि बच्चा इंटरनेशनल लेवल में कुछ भी खरीदना। मोदी जी आकर इतने सारी जगह पे हाथ मिला रहे, टेक्नोलॉजी खरीद खरीद के इंडिया में लेके आ रहे, चाहे वो आर्म्स हो या चाहे कुछ भी हो। तो इन सब में क्या लगता है? फॉरेन करेंसी लगता है ना। इंडियन रुपये देके आएंगे क्या मोदी जी किसी को? नहीं, करेंसी देंगे उनकी, डॉलर की करेंसी बहुत ज्यादा चलती है। तो होता है क्या है, हर देश, हर कंट्री फॉरेन करेंसी अपने पास मेंटेन करके रखता है। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भैया फॉरेन करेंसी हमारे पास आए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरियाज बनाए हैं। कुछ स्पेशल एरिया जो बनाई यहां जाएगी लेकिन बेची कहां जाएगी? बाहर। बेची कहां जाएगी? बाहर, क्योंकि हमारा इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहता है ताकि उससे फॉरेन करेंसी देश में आए और कल को देश की भलाई के लिए कुछ भी खरीदना हो तो उन करेंसी से खरीदे। क्लियर बच्चा? तो इसके लिए पूरा एक्ट बना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बच्चा। अब जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाएंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी ना। अगर हम इंडिया के बाहर कोई सर्विस दे रहे, आईटेक्स मैं आज यहाँ पे पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं बाहर के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मुझे डॉलर में देगा, फीस डॉलर में देगा। फिर मैं रिजर्व बैंक के पास जाऊंगी और क्या करूंगी? डॉलर को, डॉलर मेरे काम का है क्या? क्या मैं दुकान वाले को, सब्जी वाले को डॉलर दे सकती हूँ क्या? नहीं, तो मेरे काम का नहीं है। मैं रिजर्व बैंक को दे दूंगी, वो बदले में मुझे कन्वर्ट करके इंडियन रुपी देगा। तो रिजर्व मेंटेन हो गए ना उनकी फॉरेन करेंसी के, तो मुझे प्रमोशन एक्टिविटी देगी सरकार, मुझे फेवर करेगी। हाँ, तो सरकार ने बोला है ऐसे कुछ एरियाज हमने डिसाइड कर रखे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यहां करेंगे और बाहर बनाएंगे। तो इन्होंने कहा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर आपका क्या बना है? IFSC, IFSC इंटरनेशनल लेवल में सर्विस दे रहा है, तो अलग अलग एक्ट में बोला है कि आप ये सारे सेटअप्स करिए, आप ये सारे सेटअप्स करिए ताकि फॉरेन करेंसी आए। अगर आपने IFSC बनाया है, अगर आपने IFSC बनाया है लेकिन एज पर सेटअप किससे किया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हिसाब से बनाया है। तो उन्होंने कहा जो सेबी की पावर है ना, क्या क्या पावर थी वापस से? लॉ बनाने की पावर, रेगुलेशंस बनाने की पावर,
एडजुडिकेट करने की पावर, अभी जो हमने पढ़ा, ये सारी पावर सब में लगती है, लेकिन किसमें नहीं लगेगी? आईएफएससी में नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसमें रूल्स रेगुलेशंस कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें प्रमोट करें, इनकी फॉर्मेलिटीज कम करें. वेरी गुड. टैक्स भी इनको कम लगता है, इनको छूट दी जाती है. नॉर्मल कंपनी में टैक्स लगेगा, आईएफएससी वाली जो कंपनीज होती हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनीज होती है, उसमें टैक्स कम लगता है, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं ना. आप बिजनेसमैन हो, मुझ पर अगर टैक्स कम लगेगा तो अच्छा है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी, कम कीमतों में अच्छी चीज बना पाऊंगी और बाहर बेच पाऊंगी और ज्यादा पैसा कमा पाऊंगी. ज्यादा पैसा मैंने कमाया मतलब देश को करेंसी मिल गई. क्लियर है क्या? पक्का? चल. तो इन्होंने कहा आपने आईएफएससी बनाया है, ठीक है, एज पर किसे बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अकॉर्डिंग आपने बनाया है, तो आप पे सेबी में सेबी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है ना, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगने वाले नहीं है, फॉर्मेलिटीज कम की जा रही है. इज दिस क्लियर? पक्का? लेकिन 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 अगर आपने आईएफएससी बनाया है दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा एक्ट क्या बच्चा? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप पर सेबी की पावर एप्लीकेबल है. वापस दो पॉइंट्स है, ए बी, दो पॉइंट है ए बी. अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया है तो सेबी की पावर आप पे एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपने किसके अकॉर्डिंग बनाया है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया है, तो आप पे सेबी की पावर लगेगी. छूट किसको दी जा रही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को. छूट किसको दी जा रही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. आप उनके लॉस फॉलो करते हो तो ज्यादा छूट, अगर आप उनके लॉस फॉलो नहीं कर रहे तो आप ज्यादा प्रॉफिट खुद कमाओगे, सरकार के लिए ज्यादा नहीं करोगे. तो सरकार एक तरीके से क्या प्रमोट कर रही है? आ जाओ किस पे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आओ, ठीक है. एरिया बच्चों, गुजरात में बहुत सारे एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया है. सीधा जाओ बाहर, बाहर बेचो, इंडिया में बेचने की जरूरत नहीं है. तो एक्चुअली में आईएफएससी जो पूरा सेटअप बना है वो गुजरात में ही सबसे ज्यादा सेटअप बने हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत उनको छूट दी गई है. अदरवाइज अगर बनाओगे तो छूट नहीं मिलेगी. तो सरकार चाहती क्या है? एज पर किसके एक्ट के अकॉर्डिंग बनाओ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के हिसाब से बनाओ, ठीक है. पक्का? चलो. तो कंक्लूजन क्या है? सेबी की जितनी भी पावर पड़ी एप्लीकेबल किसमें नहीं है. अगर आपने आईएफएससी बनाया है लेकिन एज पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए तो छूट मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग बनाए तो छूट नहीं मिलेगी. बस यही कंक्लूजन है, दैट्स इट. ये वर्ड बार बार आएगा, पूछूंगी तब भी, ठीक. चलिए बढ़ेंगे आगे बच्चा. एक हेडिंग मिलेगी आपको, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर. एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, इसके लिए आपको थोड़ा सा पास समझना पड़ेगा. पहले स्टॉक मार्केट हमेशा से ऑनलाइन था, बताइए? बिल्कुल नहीं, हमेशा से ऑनलाइन नहीं था. पहले ये जो फिजिकल मार्केट दिख रहे हैं ना खतरनाक, इन्हें हम ट्रेडिंग फ्लोर बोलते, ट्रेड किया जाता है. बोलियां लगाई जाती थी, किसी की बात सुनाई दे रही है, किसी की नहीं सुनाई दे रही है, खिचड़ी दिख रही है आपको. पहले ट्रेडिंग फ्लोर ऐसा हुआ करता था, मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज आज के टाइम पर कॉर्पोरेटाइज और डीम्यूचुअलाइज है. स्टार्टिंग में क्या था बच्चा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. बताया था पेड़ के नीचे बोलियां लगती थी, पहले स्टार्टिंग में पेड़ के नीचे बोलियां लगती थी. धीरे 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 हमने कहा कि भैया बहुत फ्रॉड चीटिंग हो रही है बच्चा. तो इन्होंने कहा भैया पहले ट्रेडिंग फ्लोर ऐसा होता था, एक बिल्डिंग में एक कमरे में इतने लोगों की भीड़ लग जाती थी. मुझे बताओ बच्चा क्या सारे के सारे लोग आ पाएंगे? खिचड़ी दिख रही है, इतनी लंबी लंबी लाइन है बच्चा. एक्चुअली में रोडे भर जाती थी, वहां से कोई रोड पास नहीं कर पाता था. मुंबई में एक फेमस है दलाल स्ट्रीट, सुना है क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कारण बच्चा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप एड्रेस देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि मुंबई में दलाल स्ट्रीट. दलाल क्या होता है? ब्रोकर. दलाल कौन होते हैं? ब्रोकर. ये सारे ब्रोकर थे. वो दलाल स्ट्रीट, उस रास्ते का नाम ही दलाल स्ट्रीट रख दिया, दलाल रास्ता रख दिया. क्यों रख दिया? क्योंकि इतनी भीड़ होती थी कि इंसान चल नहीं पाता था, इतना ट्रैफिक होता था. सब पुरानी बात है बच्चा. आज के टाइम पे क्या दलाल ऐसे बोलियां लगाते हैं? अब तो ऑनलाइन मार्केट आ गया है. आज मुझे शेयर खरीदना है, अपने दलाल को बोलूंगी, ब्रोकर को बोलूंगी, ब्रोकर क्या करेगा? ऑनलाइन खरीद लेगा स्टॉक मार्केट के थ्रू. क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, ये कॉन्सेप्ट होता. आज ये न्यू हो गया है, सबके पास सिस्टम है, ऑनलाइन सारे काम करें. क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये है बच्चा ओल्ड, ये है न्यू. ट्रेडिंग फ्लोर समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग फ्लोर? ट्रेडिंग फ्लोर मतलब ऐसा फ्लोर जहां पे लोग ट्रेड करते हैं और ऐसी बोलियां लगाते हैं. लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है. बात समझ में आई? लेकिन आपकी जो बुक है उसमें क्या लिखा है? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर. ट्रेडिंग फ्लोर तो दीदी समझ में आ गया, एडिशनल. अगर एक जगह पर लोग नहीं आ पा रहे तो मैं क्या करूंगी? एडिशनल दूसरी जगह करवाऊंगी कि भैया यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, मैं एक एडिशनल. ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है भैया. एक रूम में नहीं आ पा रहे तो दूसरा रूम,
छोटा रूम है, बड़ा रूम अरेंज करवाए, तो एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर एक तरीके से ट्रेडिंग फ्लोर है जहां पे ब्रोकर ही आकर अपनी बोलियां लगाते हैं, हम इतने में खरीदेंगे, इतने में बेचेंगे वगैरह वगैरह। ये क्यों करवाया जा रहा है? ताकि इन्वेस्टर जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हमने एक दूसरी जगह पे अरेंज करवाया ताकि इन्वेस्टर वहां पे आकर पहुंच के अपना बिजनेस कर सके। लेकिन आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बंद हो चुके, बिकॉज ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट डिमिटलाइजेशन, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन आ चुका है। ठीक, रीड करेंगे सेक्शन 13 ए। स्टॉक मार्केट में स्टैब्लिश, स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक मार्केट कौन से, स्टॉक एक्सचेंज कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा भैया ये चाहे तो एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर बना सकते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे, सेबी से। सेबी से अप्रूवल लेके बना सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये सब है क्या, नहीं, पुराना पड़ रहे हैं। अब ये एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर है क्या, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर मतलब कि ट्रेडिंग फैसिलिटी दे रहे हैं हम, ऑफर दे रहे हैं किसको, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वही बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आउटसाइड इट्स एरिया, अपने एरिया के आउटसाइड, क्योंकि वहां तो फुल हो चुके हैं ना, दलाल स्ट्रीट बताया ना मैंने आपको, पूरे रास्ते भर गए, बोलियां ही नहीं लग पा रही, लोगों की खिचड़ी पक रही है। इन्होंने कहा अनेबल टू इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी थ्रू दी ट्रेडिंग फ्लोर, हमने एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग फ्लोर का इंतजाम करवाया, दैट वॉज एडिशनल। समझ में आया, ट्रेडिंग फ्लोर सिंपल जहां ब्रोकर आके बोलियां लगा रहे हैं, वहां एक रूम में नहीं आ पा रहे हैं, किसी और बिल्डिंग में, किसी और एरिया में जाके हमने बंदोबस्त कराया, दैट वॉज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। लेकिन सब पुराना है, सब ऑनलाइन मार्केट आ गया। क्लियर है? चलो, ट्रेडिंग फ्लोर समझ में आ गया, बढ़ू आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, लाइसेंस ऑफ डीलर्स इन सर्टेन एरिया। साफ साफ बोल दिया भैया, किसी को भी सिक्योरिटी मार्केट में डील करना है, जिसको भी सिक्योरिटी मार्केट में डील करना है उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। कौन डील कर रहा है, मैंने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ऐसे ही ब्रोकर नहीं बन जाता, उनको भी क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। बिना लाइसेंस के वो सिक्योरिटी से डील नहीं कर सकते, नहीं तो फ्रॉड चीटिंग नहीं करके चला जाएगा। मैं उसे जानती नहीं, सरकार का कोई बंदा उसे जानता नहीं, मैंने उसको बोल दिया, वो पैसा लेके भाग गया या शेयर्स लेके भाग गया, व्हाटएवर। ठीक है, तो जो भी डील करेगा उन्हें हम डीलर बोलेंगे, जो भी डील करेगा सिक्योरिटी मार्केट से उसे हम क्या बोलेंगे, डीलर। उसे पहले क्या करवाना पड़ेगा बच्चा, क्या करवाना पड़ेगा, लाइसेंस। सेक्शन 17 बोलता है नो पर्सन कैरी ऑन, कोई भी बंदा नहीं कैरी करेगा खुद से या फिर बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, खुद से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सिक्योरिटी से डील नहीं करेगा या फिर किसी और के बिहाफ में नहीं करेगा बिजनेस डीलिंग इन सिक्योरिटी, एक्सेप्ट जब तक वो क्या ना कर ले, लाइसेंस ग्रांट बाय दी सेबी। पूरा करता धरता कौन है, सेबी है, सीजी भी है, तो सीजी ने सारे काम किसको दे रखे, सेबी को, तो पूरे लाइसेंस के सारे काम किसके पास आते हैं, सेबी के पास। इन शॉर्ट किसी को भी डील करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना मतलब सेल परचेस ये सब करना है बच्चा, उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर समझ में आया, लाइसेंस ऑफ डीलर समझ में आया, बढ़ू आगे, मार्क हो गया, पीछे पीछे हो गया मार्क। चलो बच्चा, अब आपको इतना बड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखेगा, पहले मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगी फिर रीड करूंगी, रीड करना बहुत आसान हो जाएगा अगर शॉर्ट में समझ लोगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे बच्चा शॉर्ट नोट्स बनाना चालू रखो, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बच्चा आपका मॉड्यूल बिल्कुल बिना प्रेजेंटेशन का रहता है। आज हेडिंग है बच्चा पब्लिक इशू, हेडिंग है पब्लिक इशू, समझना। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी बच्चा, एक पब्लिक कंपनी होती है और एक क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसमें किसका पैसा लगा है, जनता का, पब्लिक का, तभी तो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें किसका पैसा लगा है, प्राइवेट लोग का। हम 20 लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई, हम 20 लोगों ने मिलकर क्या बनाई, प्राइवेट कंपनी। हम अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैंने बोला सब लोग अपने अपने घर से पैसे लेके आओ, चलो लेकर आए, बिजनेस किया एक साल किया दो साल किया, हमने कहा बिजनेस को और बढ़ाना है, मुझे पैसा चाहिए। अगर मुझे और पैसा चाहिए तो बच्चा मैंने फिर से आप लोगों को बोला और खुद के भी घर में जाकर बोला कि मुझे पैसा दो, घर वालों ने बोला भग जाओ यहाँ से, ठीक है नहीं है पैसा, बहुत दे चुके तुम लोग, चलो रिलेटिव है ना, कभी काम नहीं आते, इस बार काम आ जाएंगे, काम आए नहीं आए, दोस्तों को पकड़ा कोई काम नहीं आए क्योंकि पहले इतना पैसा ले चुके थे, किसी ने पैसा नहीं दिया। अब आप क्या करो, अपनी प्राइवेट कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर लो, पब्लिक, और किससे पैसा मांगो, जनता से। बच्चा क्या आपके घर वाले आप पे भरोसा कर रहे हैं, क्या आपके रिलेटिव कर रहे हैं, क्या आपके दोस्त कर रहे हैं, जनता को धोखा देने आ गए आप लोग, जनता को धोखा देने आ गए, क्योंकि भैया वो लोग भरोसा नहीं, कुछ तो दिक्कत लग रही होगी उन्हें तुम्हारे बिजनेस में, तो जनता के साथ भी तो धोखा हो सकता है। एक्चुअल में बच्चा जनता के साथ, बच्चा जनता के साथ अगर आप धोखा कर सकते हो, इसीलिए उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके लिए भी उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। चलो, तो इन्होंने कहा एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, प्राइवेट कंपनी लाएगी क्या, प्राइवेट कंपनी लाएगी क्या, प्राइवेट में तो अपने घर में गए ना,
प्राइवेट कंपनियों का पब्लिक कंपनी अपने आप को बनाना पड़ता है। चलो, इन्होंने कहा भैया जनता को अगर शेयर दे रहे हो ना तो पहले क्या कराओ, अपने आप को लिस्ट, अपने आप को क्या कराओ लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ करवाना पड़ता है बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्ट कहाँ कराना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में। अब दो स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दो फेमस नाम है, वो कौन से दो फेमस नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराऊँ, बच्चा मर्जी, कंपनी की मर्जी। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, हम बस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करवाएंगे। बच्चा आपकी मर्जी है, एक में भी करा सकते हो और दो में भी। ये बस ऐसा ही है, अमेजोन में मुझे प्रोडक्ट बेचना है, बेच रही हूँ ना शेयर, अमेजोन में मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो अमेजोन में भी लिस्ट करा सकती हूँ और फ्लिपकार्ट में भी बच्चा, स्नैपडील में, किसी में भी मैं ये सारी चीजें करवा सकती हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन जितनी ज्यादा जगह पे लिस्ट कराऊंगी उतना पैसा लगेगा, उतनी फीस लगेगी, सबको एक चार्जेस देने पड़ेंगे कि नहीं देंगे, देंगे, ऐसा ही होता है। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जा रही हूँ या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जा रही हूँ, दोनों में जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी फॉर्मेलिटीज बढ़ेगी, मुझे फीस देना पड़ेगा क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा इश्यूअर, जहां कहीं भी इश्यूअर आएगा कंपनी, क्यों, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी शेयर इशू कर रही है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इश्यूअर। एवरी इश्यूअर मतलब एवरी कंपनी, बिफोर इशूइंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब बच्चा, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या, जो शेयर इशू कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट दे रही है ना कि भैया ऑफर दे रहे हैं, आओ हमारी कंपनी का शेयर खरीदो, 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 है ना। तो इन्होंने कहा जनता को देने से पहले, हर कंपनी जनता को शेयर इशू करने से पहले क्या देगी बच्चा, एप्लीकेशन, कि भैया किसको एप्लीकेशन देगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल, उसकी मर्जी, एक को देना एक को दे या एक से ज्यादा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया हमें परमिशन दे दो, हमें लिस्ट कर लो, हमें लिस्ट कर लो। क्या ये बात समझ में आई, वापस, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, नाम तो सुना ही होगा, मतलब वो आईपीओ लेकर आ रही, मतलब किससे पैसा मांग रही है, जनता से, जनता से। तो बच्चा स्टॉक एक्सचेंज पहले उसे चेक करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास पहले एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी कि भैया सही है कि नहीं। बच्चा अब हमने वहां एप्लीकेशन दे दी और यहाँ पे आईपीओ दे दिया, वापस मैंने क्या किया बच्चा, दोनों काम साथ में दे दिया, एप्लीकेशन दे दिए, उनको टाइम लगेगा अभी चेक करने में, एप्लीकेशन के साथ इतना मोटा मोटा डॉक्यूमेंट दिया होगा, अपनी कंपनी की पूरी हिस्ट्री बताई होगी, तारीफ के पुल बांध दिए होंगे मैंने, अच्छी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगी क्या अपने बारे में, ताकि स्टॉक एक्सचेंज मुझे क्या दे दे, परमिशन दे दे, मुझे लिस्ट कर ले, इज दिस क्लियर, पक्का। और साथ में मैंने जनता को क्या दे दिया, आईपीओ लेकर आ गई, जनता को भरोसा आ गया हमारी बातों में और उन्होंने हमारे शेयर खरीद ले, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को भरोसा नहीं आया, जनता ने मुझे पैसे दे दिए, इनको साफ साफ बोल दे भैया इस पैसे को ना अलग संभाल के रखना, इसको पैसों को अलग संभाल के रखना, क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया, मुझे पैसे क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई, वापस, अगर मैं पब्लिक इशू कर रही हूं तो पहले मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन देकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, लिस्ट हो गई, काम खत्म, बढ़िया, पैसे मेरे, लगाओ बिजनेस में जहां लगाना है। लिस्ट नहीं हुई, इफ परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, तो उन्होंने कहा पैसे अलग रखो और रिपे कर दो, कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर पैसे रिटर्न करना है, 8 दिन के अंदर, क्लियर है बच्चा। अगर वो 8 दिन के अंदर मैं पैसे नहीं रिटर्न कर पाई, खर्चा कर दिया मैंने, बहुत ही नालायक कंपनी थी, है ना, उसको इतनी शॉर्टेज थी पैसे की, पैसा आया लगा दिया, पहले तो उन्होंने बोला कि भैया संभाल के रखो, 8 दिन के अंदर रिटर्न कर देना जिस दिन आया, अगर आप फेल हो गए 8 दिन के अंदर, आपने रिटर्न नहीं किया, पूरा पैसा तो अब देना पड़ेगा और साथ में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, 15% पर एनम, मतलब जितना आप लेट हो गए उतना आपको इंटरेस्ट के साथ, मतलब अगर जनता का पैसा आपने लिया है उसके पूरे के पूरे पैसा दो प्लस 15% इंटरेस्ट भी दो, 1 दिन लेट हुए गए काम से, आप सीओ से आपको क्या करना है, आपका यही तो काम है कंपनी को बताना है, सुनो आईपो लाने जा रहे हो, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दो, अगर उसने ना कर दिया आपको डायरेक्टर को बोलना है, डायरेक्टर पैसे यूज मत कर, 8 दिन तक संभाल के रख, अगर ना हुई तो पूरा रिटर्न करना पड़ जाएगा, ना होगी तो आपको डायरेक्टर के पीछे लग जाना है, रिटर्न करो रिटर्न करो रिटर्न करो, लेट हो गए तो डायरेक्टर को डरा दो, पहले कितना देना पड़ जाएगा, 15% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ जाएगा, क्लियर है बच्चा, पक्का। तो आईपीओ लाने की एक प्रोसेस होती है, आईपीओ लाने की एक प्रोसेस होती है, पब्लिक इश्यू लाने से पहले आपको एप्लीकेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए फॉर लिस्टिंग। परमिशन अगर आपको नहीं मिली, तो आपको पैसे लौटाने हैं, कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर अगर नहीं लौटा पाए तो क्या होगा बच्चा, पूरा पैसा विथ 15% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा, क्लैरिटी है। नीचे एक छोटा सा नोट है बच्चा, आप उस नोट को देखेंगे, इसी 8 डेज की बात करें, पब्लिक हॉलीडे पड़ गया बीच में, ठीक है,
छुट्टी पड़ गई तो इन्होंने कहा एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड कर देना. फॉर एग्जाम्पल वन हॉलीडे, एक पब्लिक हॉलीडे पड़ा, इस 8 दिन में एक पब्लिक हॉलीडे पड़ा तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप 9 दिन कंसिडर करना. दो पब्लिक हॉलीडे पड़ा तो 10 दिन कंसिडर. पब्लिक हॉलीडे अगर पड़ेगा 8 दिन के अंदर तो आप पैसे नहीं दे पा रहे तो टेंशन नहीं है, जितने पब्लिक हॉलीडे उतना आपको एक्स्ट्रा डेज मिल जाएगा, पब्लिक हॉलीडे को हम एक्सक्लूड करेंगे. क्लैरिटी है, प्रोसेस समझ में आ गई. पहले क्या देना है, एप्लीकेशन. कौन दे रहा है, किसको? कंपनी दे रही है, स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी दे सकती है और नेशनल, या फिर दोनों को एक साथ में दे सकती है. कंपनी अपना बजट देख लेगा, खर्चा देखेगा, क्योंकि जहां जहां लिस्ट होगी वहां वहां उसका खर्चा भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा. ठीक है, चलो बच्चा परमिशन मिल गई तो कंपनी लिस्ट हो गई, पैसा हो गया आपका, लगाओ जहां लगाना है. लिस्ट नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा, 8 दिन के अंदर रिपे. 8 दिन के अंदर नहीं रिपे कर पाए तो इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, चलो बस एक बार रीड करा लूं वो पैराग्राफ, फिर ये मैं मौका दूंगी बनाने का, है ना. आपको पता चले आपकी बुक खतरनाक है. आ जाओ, सेक्शन क्या बच्चा, 17A. सेक्शन क्या, 17A. बच्चा अभी थोड़ी देर के लिए ये जो मोटा सा पैराग्राफ है ना, जो ये बॉक्स में दिख रहा है उसको थोड़ा सा स्किप करो, नीचे आ जाओ. नो सिक्योरिटीज, नो सिक्योरिटीज बच्चा, अनलेस इश्यूअर, इश्यूअर कौन है, कंपनी. अनलेस कंपनी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लायंस रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए. सेबी ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बनाए, अभी पीछे पढ़ा था पावर में, सेबी तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकता है लिस्ट होने की. ठीक है, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना तब आप जाओगे, ठीक है, जनता के पास. एवरी इश्यूअर ऑफर देने से पहले पब्लिक को मेक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसको, स्टॉक एक्सचेंज को. किस चीज के लिए, फॉर परमिशन. परमिशन किसकी, लिस्टिंग की. लिस्ट होने की एक पहले परमिशन देगा. परमिशन अप्लाइड फॉर लिस्टिंग हैज नॉट ग्रांटेड, अगर परमिशन नहीं मिली या फिर क्या कर दिया, रिफ्यूज. किसने रिफ्यूज कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने. स्टॉक एक्सचेंज कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मान लो मना कर दिया. बच्चा फॉरविद, फॉरविद मतलब इमीडिएट, फॉरविद मतलब इमीडिएट, इमीडिएट पे करना पड़ेगा. वो इमीडिएट से हमारा मतलब क्या है, एप्लीकेंट के पैसे, ऑफर डॉक्यूमेंट. ठीक है, इफ मनी इज नॉट रिपे, कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर. अगर आपने 8 दिन के अंदर नहीं पे किया, हु इज डिफॉल्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 डे, बच्चा जॉइंटली और सेवरली लाइबल टू रिपे, कितने के लिए, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना, 15%. ये आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज है, क्या ये बात समझ में आई, ये आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज है. ठीक, बस थोड़ा सा ना खींच के लिखता है, मैंने भी आपको इजी फॉर्म में वही समझाया जो उन्होंने लिखा, बस थोड़ा सा मॉड्यूल खींच के लिखता है. यहां तक बातें समझ में आई. जब 8 डेज की कैलकुलेशन की बात होगी तो उसमें क्या कंसिडर करेंगे बच्चा, क्या एक्सक्लूड कर देंगे, पब्लिक हॉलीडे एक्सक्लूड. रेकनिंग मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना. रेकनिंग मतलब क्या, कैलकुलेट. वाइल कैलकुलेटिंग 8 डेज बच्चा आफ्टर अनदर डे, तो उन्होंने कहा उसको डिसरिगार्ड करेंगे. अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ेगा तो उसे क्या करेंगे, डिसरिगार्ड. डिसरिगार्ड मतलब क्या, सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो पब्लिक हॉलीडे पड़ता है, जितना आएगा उतना एक्सक्लूड करना, दैट्स इट. ठीक, चलिए. ऑल द प्रोविजन ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी, उन्होंने कहा जितने भी लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन होते हैं मोटाटिस मुन्ने सप्लाई होंगे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. ठीक, पहले ये मार्क कर लो, फिर एक जो बॉक्स मैंने छोड़ा था उसको बताती हूँ मैं. क्या सर नलायक मोटाटिस मुंडेस में, मोटाटिस मुंडेस एक, अच्छा मोटाटिस मुटेंडिस, ठीक है, वो ऐसे ही निकलता है. ठीक है, चलो मोटाटिस एंड मुटेंडिस, फिर से गलत बोलते क्या. चलिए वापस वापस चलेगा, है ना, जैसे तेरा नाम मैं गलत बोलती थी. चलो बच्चा ये बात समझ में आ गई, पहले बताओ एक बॉक्स दिख रहा है जिसको मैंने छोड़ा था, और नीचे कुछ टर्म जो मैंने खुद से लिखा है उसको थोड़ा सा पहले समझा दो. याद करो मैंने सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन. सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है कुछ याद है थोड़ा बहुत, शेयर्स, क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यूनिट भी था कुछ, म्यूचुअल फंड का, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का, पूल इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, ये सब थे. और एक और था सरफाइसी एक्ट का कुछ था, सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफ सरफाइसी एक्ट, ये याद है. प्लीज जाओ ना बुक में, जाओ ना देखो ना डेफिनेशन, जिनको याद नहीं आ रहा वो तो देख ले. दिखाओ, दिखा दो एक बार, पेज नंबर बताना मुझे भी, पेज नंबर बता दो. थर्ड है, चलो बच्चा ये 4 पॉइंट देख रहा है, सिक्योरिटी रिसिप्ट. ठीक है, मैंने बताया था आपको कि सरफाइसी एक्ट है जो कि बच्चा किसके लिए बना है, बैंकों की हेल्प करने के लिए बना है, बैंकों की हेल्प के लिए. तो वहां पे भी शेयर वर्ड यूज नहीं करते, वहां पे क्या वर्ड यूज करते, सिक्योरिटी रिसिप्ट.
तो यहां पर जो सिक्योरिटी की बात हो रही है उनका मतलब किससे बच्चा, सिक्योरिटी रिजर्व एज पर सरफाइसी एक्ट। अब सरफाइसी एक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझो, ठीक है, वापस जाते हैं, समझ में आ गया ना किसकी बात कर रही हूं, वापस जाती हूँ समझाती हूँ। तो बच्चा लिख लो यहां पे सरफाइसी सिक्योरिटी रिसिप्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन 2 का HIE क्या बोलता है, एनी सर्टिफिकेट इश्यू टू इन्वेस्टर बाय एन इश्यूअर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस बच्चा, और स्पेशल पर्पस मैंने सारी चीजें छोड़ दी है, एक्चुअल में वो क्या बोल रहे हैं अब समझना। होता क्या है बच्चा, बैंक बहुत सारे लोन देती है कंपनी को और हमारी कंपनी महान लोन लेकर भाग जाती है, पैसा नहीं चुका पाती, तो बैंकों को ना बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि विजय माल्या का अगर मैं किंग फिशर की बात करूं तो बेचारे ने कितना लोन लिया, तो बच्चा बैंकों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इस चक्कर में, ठीक है। तो बैंक बोलता है भैया हम पैसे नहीं निकलवा पा रहे, प्लीज 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 हमारी मदद करो। तो एक कानूनन एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं सरफाइसी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट बोलता है बैंक जो आपके पैसे लेके भाग गया उन्हें हम बोलेंगे एनपीए, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए, बैंक के लिए वो सब तो बच्चा उधार जिनको दे वो सब तो डेटर्स हुए, पैसे मिलेंगे एसेट है। बैंक के लिए जिसको लोन दिया है वो एसेट है कि नहीं है, लेकिन वो डिफॉल्टर एसेट है, डिफॉल्टिंग या बैड डेट हो जाएगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनपीए, ठीक है। बैंक बोलता है भैया हमारे लिए एनपीए है, तो सरफाइसी एक्ट क्या बोलता है, टेंशन मत लो, ठीक है। आपने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन नाम सुना होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन नाम किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं, नहीं सुना, वेरी गुड, कोई बात नहीं समझाऊंगी। ये कंपनी है, सिंपल भाषा में समझो, मैंने आईटेक्स की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, एसेट रिकंस्ट्रक्ट, मेरा काम है बैंकों से इन डिफॉल्टर्स को खरीदो, मेरा काम क्या है, बैंकों से इन डिफॉल्टर्स को खरीदो और वसूली भाई का काम करेंगे। वसूली भाई का क्या काम होता है, पैसे निकलवाने का काम, तो विजय माल्या से मैं पैसे निकलवाऊंगी अब, ठीक है, भगा देगा मुझे तो वैसे, ठीक है। मैं पहुंचती हूँ कि सर पैसा दीजिए, अब विजय माल्या से मैं पैसा मांगने जा रही हूं तो मतलब कि मैंने पैसा चुका दिया है, किसको चुका दिया है, बैंक को। सस्ते में विजय माल्या का एसेट खरीद लिया होगा, लोन उसने 100 करोड़ का लिया होगा, लोन उसने 100 करोड़ का, तो मैं समाज सेवा तो कर नहीं रही हूँ, 100 करोड़ लिए और दे दिए, मैं क्या कहूंगी सस्ते में बेचो बैंक, बैंक से डील करूंगी कि भैया 100 करोड़ का है, 90 करोड़ में, 90 करोड़ में मैं आपको दे रही हूँ, अपना मुंह बंद रखना, आपको आपका पैसा मिल गया और मैं उससे 100 करोड़ वसूलूंगी, तो मेरा फायदा कितने का हो गया, 10 करोड़ का हो गया, ऐसा ही होता है। तो ऐसे ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। सिंपल भाषा में सरफाइसी एक्ट ने एक सिस्टम बनाया, उसमें उन्होंने बोला एक कंपनी का काम है बैंकों से इन डिफॉल्टर्स को खरीदे और वो वसूली का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चा मेरे पास ये 90 करोड़ आएंगे कैसे, मैं बैंक को कह रही हूं मैं 90 करोड़ दे दूंगी, मैं क्या करूंगी, मेरे पास खुद का तो इतना पैसा होगा नहीं है, मार्केट में क्या इश्यू करूंगी, शेयर, मार्केट में क्या इश्यू करूंगी, शेयर, सारी जनता को बोलेगी जनता सुनो 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 बैंक का मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस क्या है कि मैं बैंक से क्या खरीदती हूँ, एनपीए खरीदती हूँ, ठीक है, और उससे मैं पैसा कमाती हूँ, तो आप मुझे पैसा दो ताकि मैं बैंक को दे सकूँ। अब बच्चे इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, छोटे मोटे लोग नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उनको भरोसा होगा कि मैं वसूली का काम कर सकती तो मुझे पैसे देंगे, तो उसे हम शेयर वर्ड यूज नहीं करते, उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिक्योरिटी रिसेट, जो कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। क्या ये बात समझ में आई, सिक्योरिटी रिसेट समझ में आया, आप पूरा रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, समझो हेडिंग, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। बच्चा इन्होंने कहा एनी सर्टिफिकेट बोलो, इंस्ट्रूमेंट बोलो, जो नाम बोलना है बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम बोलना है बोलो, वो भी थक गए हैं, इतने सारे नाम होते हैं, ठीक है। इश्यू टू इन्वेस्टर बाय एनी इश्यूअर, किसी कंपनी ने अगर शेयर इशू किया, ये वसूली भाई वाली कंपनी है, अगर किसी वसूली भाई वाली कंपनी ने स्पेशल पर्पज के लिए कंपनी बनाई, स्पेशल पर्पज क्या, इसका वसूली करना, ठीक है। पोजेशन एनी डेट, उधारी वाला काम है, रिसीवेबल मॉर्गेज डेट असाइन सच एंटिटी एक्नॉलेज बेनिफिशियल इंटरेस्ट डेट रिसीवेबल, सबका मतलब क्या है, हमारा जो सिक्योरिटी हो किस नेचर का है, उसमें एक तरीके से क्या है बच्चा, डेट टाइप की चीजें हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली चीजें हैं। तो ऐसे जो शेयर होते हैं, आपने बस नाम सुना है शेयर का तो आपको लगता है शेयर लिस्ट होते हैं, शेयर लिस्ट होते नहीं है, ये सिक्योरिटी रिसिट भी क्या होती है, लिस्ट। मैंने जनता से पैसे मांगने जाना है तो मैं क्या इन शेयर को लिस्ट नहीं करवाऊंगी, बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरे शेयर्स मार्केट में बिक रहे, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में डालूंगी ना इन्हें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डालूंगी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये सारी चीजें डलती है बच्चा, दो मिनट रिजाइन करवाना है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयर्स भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें हम शेयर वर्ड यूज नहीं करके क्या बोलते बच्चा, सिक्योरिटी एसेट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बस यही नहीं होते, ऐसी बहुत सारी। यूनिट बताया, यूनिट को भी लिस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में जो मैं शेयर्स खरीदू, शेयर वर्ड यूज नहीं करते, क्या करते हैं, यूनिट, उन्हें भी लिस्ट किया जाता है। सिक्योरिटी रिसर्च को भी लिस्ट किया जाता है। जनता से पैसे मांगने हैं तो क्या करनी पड़ेगी, लिस्टिंग, लिस्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। चलिए अब बच्चा नीचे ही लिखा है, नॉर्मली जब शेयर हम लिस्ट कराते हैं उसमें जो जो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वही इन्होंने कहा इस सेक्शन 2 के, सेक्शन 2 के आईई में भी लगेंगे, मतलब सिक्योरिटी रिसिप्ट, इसको भी लिस्ट कराने में वही सारी प्रोसेस लगेगी। तो एक जनरल प्रोसेस मैंने आपको बता दी जो आप लिख सकते हो। वो जनरल प्रोसेस क्या है बच्चा, कि कोई भी कंपनी को शेयर अगर इशू करना है और लिस्ट कराना है तो पहले क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन, किसको, एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसको देना है। अब बच्चा परमिशन मिल गई तो वो पैसे अपने पास रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन नहीं मिली तो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो पैसा तो पूरा रिटर्न और प्लस इंटरेस्ट के साथ 15% पर एनम। लेकिन ये 8 दिन के बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है तो उन्होंने कहा एक्सक्लूड कर देंगे, दैट्स इट। यही है कॉन्सेप्ट, लिखना तो लिख, क्लियर है। चल बड़े आगे बच्चा, एक और हेडिंग देखो, कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसकी अपनी खुद की एक वैल्यू नहीं होती है, वो किसी और पे बेस्ड होता है, ठीक है। ऐसे तो हम आए दिन बात करते रहते हैं, है ना। मैंने अगर बोला कि नहीं यार देखना कल बारिश होगी, ये सब तो बातें कर रहे हैं हम। मैंने एक लेटर में लिखे थे देखना कल बारिश होगी, तुमने कहा लगी शर्त, लगी शर्त, हमने कहा हाँ लगी शर्त, ठीक। कल बारिश नहीं हुई और मैं भाग गई, मजा ले तुम लोग मुझसे पैसा निकलवा लोगे, नहीं। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आए दिन हम करते रहते हैं, ऐसा सट्टा खेलते रहते हैं हम, लेकिन 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 पैसे कोई निकलवा सकता है क्या, नहीं। तो इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स इन डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव्स, हम कह रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना तो हम चाहते हैं लीगल हो ना, कुछ एक डॉक्यूमेंट बने, डॉक्यूमेंट कहीं भैया हो अच्छे से। तो उन्होंने कहा भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के, तब हम उसे वैलिड मानेंगे, तब हम उसे क्या मानेंगे, वैलिड, लीगल मानेंगे, जब वो कहां हो रहे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में हो रहे होंगे। मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो बस शेयर से डील नहीं करता, किससे भी डील करता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तब आपका हम लीगल मानेंगे, वैलिड मानेंगे, जब वो किसके थ्रू कर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने कहा कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये मैंने अब एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इसको कहां पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तब वो वैलिड होगा। आए दिन वाला तो ऐसे कुछ भी नहीं, उसका प्रॉपर क्या होगा, सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कौन करवाएगा, एक क्लियरिंग हाउस करवाएगा, सेम स्टॉक एक्सचेंज ऐसा बच्चा। और क्या लिखा है, बिटवीन सच पार्टीज एज टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड, ऐसे ही मुंह उठा के कोई डेरिवेटिव नहीं करता। मैंने अभी आपको बोला ना, शेयर परचेज का अगर डील करना है, किसी को बिजनेस करना है, उसको क्या लेना पड़ेगा, सभी से लाइसेंस, यही बोला ना। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कराने की प्रॉपर लंबी चौड़ी प्रोसेस, ऐसे ही डेरिवेटिव को लेकर भी होता है। डेरिवेटिव सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है क्या, आता है ना, वापस सिक्योरिटी की डेफिनेशन, स्क्रिप्ट और शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रेसेट, ये समझ में आया, यूनिट और डेरिवेटिव भी था, ठीक है, डेरिवेटिव भी था। तो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है जिसमें डेरिवेटिव भी आता है, स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव में भी डील करता है। इन्होंने कहा है हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को तब मानेंगे वैलिड जब वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहे होंगे, उसका सेटलमेंट एज पर क्लियरिंग हाउस ही होगा, और बच्चा गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया कौन सी पार्टीज, मतलब पार्टीज को कुछ नहीं, लाइसेंस वाइसेंस सब लेना पड़ता तब जाके वो काम करें। मैं भी जब डीमैट अकाउंट शेयर मुझे अगर रिलायंस कंपनी के खरीदने, ऐसे ही उठा के खरीद लूंगी क्या, पैसे दिया और हो गया, नहीं। आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा, वो डीमैट अकाउंट क्या होगा बच्चा, आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होगा, आपसे पैसे पहले ही ले लिए जाएंगे, सामने वाले को बाद में देंगे। जो ब्रोकर होगा ना, ये स्मूथली काम कैसे करवाता है, सब आपसे पहले लेके रख लेगा। आपको क्या, अरे 2 दिन बाद तू शेयर खरीद, मैं तुझे 10 दिन बाद दूंगा, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। ब्रोकर कहेगा सुन डिमैट खोल, ताकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैं आपका शेयर्स दे रखूं, सेविंग अकाउंट से लिंक करो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन फॉर्म में इसमें क्या हो बच्चा, पैसे हो। क्या ये बात समझ में आई? तो 2 अकाउंट खुलते हैं और डिमैट अकाउंट खुलते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होता है बच्चा, पूरी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है ब्रोकर के पास, ब्रोकर को लाइसेंस देना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई, डाउट है?
डीमैट अकाउंट, डीमैट एक रिमैट होता है बच्चा, एक्चुअली में डीमैट क्या होता है ऑनलाइन है ना, रिमैट नहीं होता, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन होता है, वो रीमटेरियलाइजेशन है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बताऊंगी वो भी ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन मतलब शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और रीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म में, ऑपोजिट होता है ठीक है, वो रीमटेरियलाइजेशन होता है। क्लियर है? अभी बताओ यहां तक समझ में आया? पढ़ा क्या अभी? कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव्स। कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव अगर वाले वो वैलिड कब होंगे? जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करोगे, क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट करवाएगा, और नोट सच पार्टीज वही पार्टीज आपस में अग्रीमेंट कर पाएगी जिसने सेबी के रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए, जो उन्होंने स्पेसिफाई किए थे, बस सिंपल। क्लियर है? समझ में आया बच्चा? स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टॉक एक्सचेंज को क्या लेनी पड़ती है, रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है। अगर स्टॉक रिकॉग्निशन लेने का प्रोसेस क्या था? एप्लीकेशन देनी पड़ी थी किसको? सीजी को। सीजी क्या चेक कर रहा था? इंक्वायरी कर रहा था, फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहा था। सब ठीक लग रहा था तो दे दिया, ठीक नहीं लग रहा था तो देने के बाद भी निकाल सकता है या स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर सकता है, ये सब हो सकता था। यस और नो? इन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज अगर रिकॉग्नाइज है तो ही वो काम करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। मतलब जितने स्टॉक एक्सचेंज है वो सब क्या है? रिकॉग्नाइज। क्या ये बात समझ में आई? हेडिंग देखो, स्टॉक एक्सचेंज अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, हम अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करें, डायरेक्ट पढ़ो स्टॉक एक्सचेंज क्या बचा? प्रोहिबिटेड। अगर वो रिकॉग्नाइज है तो काम करेंगे, अगर वो रिकॉग्नाइज है तो ठीक है, वैलिड है, काम करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। मतलब जितने स्टॉक एक्सचेंज वो सब क्या है? रिकॉग्नाइज। अभी तक आपने दो स्टॉक एक्सचेंज देखे, बॉम्बे और नेशनल, थोड़ा ज्यादा समझे और देखे स्टॉक एक्सचेंज, मार्क हो गया पहले बताओ? कर रहे हो? कर लो, मैं एक बार बात भी करके आती हूँ दीदी से, ठीक है? मैं फिर तुम लोगों को दिखा रही हूँ आज स्टॉक एक्सचेंज और कौन कौन से। मार्क हो गया ना? आ जाओ, थोड़ा सा अब और डिटेलिंग में जाएंगे। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है ना, क्या पंखा चालू करना है, कौन सा वाला है वो, ठीक है? मुझे तो इतना ठंडा लग रहा है, कितनी गर्मी लगती है तेरे को। चलो वापस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम सुना है, कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज नाम सुना है, नाम सुना है, जिन्होंने सुना है वेरी गुड है ना, कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज भी है बच्चा। अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है? नेम ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है, ठीक है? फिर एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस देखो दलाल स्ट्रीट, एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था जिस कारण से बच्चा ट्रेडिंग फ्लोर में खतरनाक भीड़ हो जाती थी, तो वहां के रास्तों का ही नाम, वहां के रास्ते का ही नाम क्या बोलते भैया? दलाल स्ट्रीट है, ठीक है? उसका एड्रेस देखो तो दलाल स्ट्रीट ही मिलेगा। चलिए, रिकॉग्निशन दिख रहा है, वैलिड अप टू क्या लिखा है? परमानेंट, मतलब इनको रिकॉग्निशन सीजी ने परमानेंटली दे रखी है, ठीक है? सेगमेंट छोड़ो, उसमें क्या लिखा है, किन किन शेयर से ये लोग डील करते हैं, इक्विटी से करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कॉमोडिटी, एक्चुअली में डेरिवेटिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पढ़ेंगे हम वो टाइप्स, ठीक है? थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था, कॉमोडिटी एंड ऑल, ठीक? चलो, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज नाम नहीं सुना है तो आज सुन लिया है, जिसने सुना है वेरी गुड बच्चा। रिकॉग्निशन क्या मिल रखी है? परमानेंट। फिर देखो फिर क्या लिखा है, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम सुना है, मुंबई में, ठीक है? प्रॉपर एड्रेस वेड्रेस दे रखा है। रिकॉग्निशन कब तक की मिली है? सितंबर 15, 2022। सीजी से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, उसकी एक वैलिडेशन होती है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज, इनको परमानेंट मिल रखी है, लेकिन बाकी सबको थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के लिए, या तो उसको बढ़ा दो, या तो उसको बढ़ा दो, या तो जब हुआ वैलिडेशन तब उसका दी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या है बच्चा, कौन सा वाला है, मेट्रोपोलिटन, ठीक है, अभी सितंबर में एंड होने वाला है, ठीक है, फिर उन्होंने देखा है किस किस में डील करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखे बच्चा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, ऑफ इंडिया, सब मुंबई में ही है, ठीक है, परमानेंट मिला इसे भी, ठीक है, लेकिन ये किससे डील करती है, बस कमोडिटी ट्रेड, इक्विटी इक्विटी शेयर्स नहीं, आपकी जो इक्विटी है बच्चा ये आपको हमेशा बॉम्बे स्टॉक क्यों हम इतना बोलते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इक्विटी में डील करती है, जैसे फेमस हो जाता है ना, अमेजोन बहुत फेमस है ना, आप देखोगे फ्लिपकार्ट से भी थोड़ा आप कम करते हो बिजनेस जितना कि आप अमेजोन से, तो जिसका नाम जितना बड़ा हो, जिसमें जितना भरोसा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला था, बहुत स्टार्टिंग से था, इसलिए उसमें ज्यादा भरोसा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिखा है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इसका नाम ही डेरिवेटिव है, ठीक है, मुंबई परमानेंट, और किसमें डील करता है, कमोडिटी डेरिवेटिव में। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम तो सुनाइए ना, ये भी कहाँ है, मुंबई में, परमानेंट है, और ये भी किसमें डील करता है बच्चा, अब तुम नोटिस करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी की बात करता है, और हम जानते हैं अभी तक इक्विटी शेयर को ही है, कॉमोडिटी इन सबको जानते हैं क्या, इसीलिए सबसे ज्यादा आप क्या नाम सुनते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्यों सुनते हो, अब लॉजिक समझ में आया, क्योंकि अभी हमें डेरिवेटिव भी नहीं पता, तो डेरिवेटिव में डील कैसे करेंगे, बाकी जितने भी है बच्चा ये तो सब में डील करता है, ये तो सब में करता है, लेकिन बाकी जो है वो इंडिविजुअल, वो बस डेरिवेटिव से डील करे, इसीलिए उनका नाम आपने इतना सुना नहीं। क्लैरिटी है पक्का, चलो तो ये मैंने कुछ लिस्ट आपको दिखा दी, क्लैरिटी है बच्चा, बढ़े आगे, थोड़ी अपने अपने लेवल में ऐसे रिसर्च करते रहे ना, नॉलेज और एनहांस होगा। चलिए पढ़े ना आगे थोड़ा सा और, आज हमने क्लास में जो जो चालू किया उसको एक बार क्विक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सेबी की पावर, चार पावर थी, किसमें यूज नहीं होती, आईएफएससी में, लेकिन आईएफएससी एज पर सेटअप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से है तो एप्लीकेबल नहीं, अदरवाइज एप्लीकेबल है, याद रखना। ट्रेडिंग फ्लोर क्या होता है, एक ऐसा फ्लोर जहां पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन यह पुराना कॉन्सेप्ट है, पूरे सिस्टम से आगे ऐसे बैठ के शांति से बैठ के काम चलता है, ठीक है। एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर क्या है, जगह कम करी तो एक्स्ट्रा, ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स भी आकर रीच में आ जाए, है ना। लिस्टिंग सॉरी लाइसेंस ऑफ डीलर्स क्या बोलता है, जिसको भी बिजनेस करना है सिक्योरिटी में, उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे, सेबी से। चलो पब्लिक इशू लाने के लिए प्रोसेस होता है, आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर लिस्टिंग, किसको, कंपनी देगी स्टॉक एक्सचेंज, एक में करना है, दो में करना है, आपकी मर्जी, तीन में करना है, चार में करना है, सब में करना है, सब में कर डालो आपकी मर्जी, लेकिन परमिशन अगर नहीं मिली ना, गए काम से, आठ दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं किया तो वे इंटरेस्ट कितना। चलिए फिर बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव तब वैलिड होंगे जब वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा, क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट करेगी, और वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसने टर्म्स एंड कंडीशन सेबी की दी हुई जो मानी होगी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कौन से प्रोहिबिटेड है, जिसने रिकॉग्निशन नहीं ली, जितनी भी लिस्ट बताई थी वो सब रिकॉग्निशन की थी, किसी में टाइम दे रखा था और किसी में परमानेंट मिल रखी है, हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज को परमानेंट मिल रखी है, और इसके अलावा कैलकटा को भी मिल रखी है, क्लियर है। चलिए बच्चा अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, लिस्टिंग कैसे होती है, प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया, क्या थी प्रोसेस, एप्लीकेशन देनी है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, और इशू कर दो शेयर, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो वो सारी प्रोसेस होती है। इन्होंने कहा भैया सेक्शन 21 बोलता है लिस्टिंग की होती है कंडीशन, वे सिक्योरिटीज लिस्टेड पर्सन शैल कंप्लाई कंडीशन ऑफ सेबी, सेबी की लिस्टिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सेबी ने अलग से रेगुलेशंस बताए, शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं LODR, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं LODR, फुल फॉर्म क्या है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, समझना। सेबी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, मैंने क्या बोला, स्टॉक एक्सचेंज को मैं दूंगी एप्लीकेशन लिस्ट होने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को देती हूँ कि सेबी को देती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज, ये सेबी क्या बोल रहा है, सेबी बोल रहा है सुनो, कंपनी वही देने आएगी एप्लीकेशन जो वो क्या देगी, क्राइटेरिया फुलफिल करेगी, वो क्राइटेरिया किसमें दे रखे हैं, LODR में, वापस वापस वापस, आईटेक्स कंपनी डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी नहीं, पहले सेबी ने पूरी लिस्ट दे रखी है लंबी चौड़ी कंडीशन की, उसे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, LODR के रेगुलेशन, लिस्टिंग डिस्क्लोजर,
अगर आपको लिस्ट होना है तो आपके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशंस है, आपके ऊपर क्या है ऑब्लिगेशन, आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल की आई हुई कंपनी, क्या जनता से पैसा मांग लूंगी तुरंत? नहीं। सर भी बोलता है सुनो, वही कंपनी आए जिसका पिछले 3 साल से प्रॉफिट में काम चल रहा, मैं पिछले 3 साल से क्या हूँ, लॉस में हूँ। उन्होंने क्या बोला, सुनो स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाना, अगर आप लॉस में तो आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भी दे नहीं सकते हो। आपका नेटवर्क कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, उसकी एक प्रॉपर लंबी चौड़ी लिस्ट है, 4-5 कंडीशंस है खतरनाक वाली। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना, वही आईपीओ लाती है, ये बात याद रखना। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा वही आईपीओ लाती है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वो आईपीओ नहीं ला सकती। मतलब कि मुझे आईटेक्स कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो पहले सेबी की लिस्ट में मैं देखूंगी मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। अगर मैं एलिजिबल हूं ना तो स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दूंगी कि लिस्ट कर लो। अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं ना तो बच्चा मैं सेबी को स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन भी नहीं दे सकती। तो मैंने आसान भाषा में आपको बताया कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मैं पिछले 3 साल से लॉस में हूं, ऐसे लिमिट्स अभी याद नहीं करने की जरूरत है, 3 साल ये सब, मैं बस आपको एक आध एग्जांपल दे रही हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। सेबी एलओडीआर पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इंडेक्स खोलो, देखो इंडेक्स, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, और मुझे बताओ चैप्टर नंबर क्या है। इंडेक्स खोलो, चैप्टर नंबर बताओ, पूरा एक चैप्टर है, मतलब वो चैप्टर आपको पूरा ही बताएगा कि लिस्ट कैसे होते, बींग सीएस आपका क्या काम है। अगर आपका डायरेक्टर बोले ये चलो लिस्ट होना है हमें, तो आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस देखना है, आपको देखना है ये कंपनी एलिजिबल है कि नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पे बस ये बोल रखा है सभी की कंडीशन है लिस्ट होने की, तो पहले क्राइटेरिया फुलफिल, तब एप्लीकेशन, तब आईपीओ। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ डिटेल में नहीं बताया क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे। ये केस है बच्चा उड़ीसा मिनरल, ये बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बढ़ूँ आगे, लिस्टिंग समझ में आ गया, ये डीलिस्टिंग क्या है। मान लो लिस्ट हो गई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे परमिशन दे दिया, ठीक है, आईपीओ मैंने लॉन्च किया, पैसे आ गए, रिटर्न करने की जरूरत नहीं हुई। अब बच्चा कंटिन्यू मुझे कंडीशन फुलफिल रखनी है, मुझे लगातार वो कंडीशंस फुलफिल रखनी है। ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया, कंटिन्यूसली हमेशा मेंटेन रखना है। मतलब जितनी भी कंपनी लिस्टेड है ना उनकी इज्जत करो, जितनी भी कंपनी क्या बच्चा लिस्टेड है ना उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में अच्छी कंपनी है। उन्हें ये स्टेटस अपना हर साल मेंटेन करके रखना है, किसी भी एक साल उसने अपना स्टेटस मेंटेन नहीं किया वो कंपनी क्या हो जाएगी, डीलिस्ट। खुद से होना चाहते हैं डीलिस्ट, हम अच्छे हैं लिस्टेड है, हम खुद से डीलिस्ट होना चाहते हैं, हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो सेबी बोल देगा भैया डीलिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्ट करवा देगा आपको कि भैया ये कंपनी अच्छी नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि हम अच्छे हैं लेकिन हम खुद से कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि लिस्टिंग के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, तो आप खुद से भी डीलिस्ट हो सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन। यहां हम पढ़ रहे हैं कि भैया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि हमारी ये कुछ कंपनियां हैं नालायक, 10 कंपनियां निकाल दी, ये सब बर्बाद कंपनी, इनको हटाओ, ये लिस्टेड रहने के लायक नहीं है, तो वो अब क्या हो जाएंगी बच्चा, डी लिस्ट। तो हम तो नाराज हो गए, ठीक है, हमारी कंपनी तो नाराज हो गई, हमें लग रहा नहीं हम तो अच्छे हैं ये जबरदस्ती निकाल रहे हैं, हो सकता है ना ऐसा, या तो हम बुरे होंगे तो चुपचाप रहेंगे चलो निकलो यार बर्बाद हो गया हम, या तो हमें लगेगा यार ये जबरदस्ती निकाल रहे हैं, अगर ये जबरदस्ती निकाल रहे तो हम आगे केस फाइल कर सकते हैं। ये केस फाइल करने की जगह क्या है बच्चा, सेट पढ़ा था स्टार्टिंग में, फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आजो पहले शॉर्ट में समझेंगे, आजो आरएसई फुल फॉर्म रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सब रिकॉग्नाइज है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो क्या काम कर पाएंगे, नहीं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज गिव अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड कंपनी बिफोर डीलिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंपनी को, मान लो आईटी कंपनी को डीलिस्ट कर रहा है तो पहले हमें क्या देगा, एक मौका कि आपको क्यों डीलिस्ट ना किया जाए, ठीक है। कंपनी हो गई नाराज, मौका भी दिया, माना भी नहीं उसने, फिर हमें तो बुरा लग रहा है, कंपनी फाइल करेगी अपील किसके पास, सेट के पास, कितने दिन के अंदर, 15 दिन। 15 दिन कहां से, जिस दिन डीलिस्ट कर दिया, जिस दिन हमें डीलिस्ट कर दिया वहां से 15 दिन के अंदर हमें कहां दौड़ लगानी है, सेट के पास, क्लियर है बच्चा। इन्होंने कहा 15 दिन में नहीं जा पाओगे तो 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप सफिशियंट कॉज दोगे। व्हाट डू मीन बाय सफिशियंट कॉज, जेन्युइन रीजन दोगे कि हम क्यों 15 दिन में नहीं आ पाए, बीमार थे या जो भी बोलोगे, ठीक है, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन कितने का, 1 मंथ का, ठीक है। सेट डिस्पोज, सेट आपकी बात सुनेगा, उसमें जजेस बैठे रहते हैं, कमेटी बैठी रहती है, वो आपकी बातें सुनेगा। स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बंदा आएगा और हमारी कंपनी से सीएस जाएगा, दोनों का सीएस आके लड़ते रहेंगे,
कि भैया हमारी कंपनी को डीलिस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बच्चा सेट की जूरी मेंबर सुनेंगी सारी बातें और जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म करेगी। हमने सेट बनाया क्यों? ताकि कोर्ट कचहरी में जितने लंबे लंबे केसेस चलते हैं वो केसेस ना चले, इसीलिए ना। तो सेट को कितने महीने में केस खत्म करना है? 6 महीने के अंदर अंदर केस खत्म करना ही है। स्पीडी डिस्पोजल होगा ना, नहीं तो जाते कोर्ट में ही अगर ये भी लंबा टाइम लगा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो जो ऑर्डर पास होगा बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लाई करना होगा। अब बच्चा सेट 2 ऑर्डर पास कर सकता है, या तो क्या कहेगा आपने गलत डीलिस्ट किया है वापस से लिस्ट करो, या फिर क्या बोलेगा आपने सही डीलिस्ट किया नलायक कंपनी थी, दोनों में से कुछ भी जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सेट कंपनी को बोल दिया हाँ इसको डीलिस्ट ही रखो, बच्चा अगर हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहले नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। हमारे केस में जितने भी हमारे कंपनी के बच्चा ये स्टॉक मार्केट से केसेस होते हैं सेट में जाते हैं, अगर आप सेट से खुश नहीं हो, इन्होंने बोला कंपनी डीलिस्ट ही रहेगी, हम डिससेटिस्फाइड हो, तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। हम कोर्टों में नहीं जाते लेकिन सबसे सुप्रीम कोर्ट में हम जाते, लेकिन कब जाते? अपनी अपील लेके, जब हम नीचे वाले ट्रिब्यूनल से खुश नहीं है। तो इफ डिससेटिस्फाइड द ऑर्डर ऑफ द सेट, नहीं डिससेटिस्फाइड नहीं है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, घर पे जाओ बैठो शांति से, डीलिस्ट हो गए। अगर आप सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड हो तो बच्चा अपील करो किसको बच्चा? सुप्रीम कोर्ट को। कितने दिन के अंदर जाओगे? 60 डेज के अंदर। कहां से 60 डेज? जिस दिन सेट ने ऑर्डर दिया, जिस दिन ऑर्डर दिया, आज ऑर्डर दिया, कल से 60 डेज गिनना चालू। ठीक, इन्होंने कहा 60 डेज में नहीं पहुंच पाए, सफिशियंट रीजन देना कि आप केस करने आए रहे थे, किसी ने ट्रक ने आपको ऐसे मार दिया, आप कोमा में चले गए, आप नहीं पहुंच पाए, तो ये सारे सफिशियंट कॉज दे देना। तो एक्सटेंशन और कितने का मिल जाएगा? 60 डेज का। और क्या ये बात समझ में आई? वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर सिक्योरिटी डीलिस्ट हो रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज पहले उस कंपनी को मौका देगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग क्लियर है, उसके बाद उसे जैसा लगेगा वो वैसा बोल देगा। मान लो उसने बोल दिया कि नहीं भाई आपकी डीलिस्ट होगी, तो आप कहां शिकायत करोगे उसकी? सेट। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। 15 दिन में नहीं पहुंच पाए, सफिशियंट कॉज दोगे तो 1 महीने का एक्सटेंशन। अब सेट आपकी बात सुनेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी सुनेगा और कंपनी की भी कि क्यों डीलिस्ट कर दिया वगैरह वगैरह। सुनने के बाद डिसीजन देगा, जो डिसीजन देगा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उससे भी खुश नहीं हो तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन के अंदर? 60 डेज। सफिशियंट कॉज देंगे तो फर्दर 60 डेज और बढ़ जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं, बस माफ करो। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मेड डील इज सिक्योरिटी आफ्टर आफ्टर रिकॉर्डिंग दी रीजन। रीजन तो भैया रिकॉर्ड में रखेगा ना। चल नॉट डीलिस्ट, लेकिन वो तब तक डीलिस्ट नहीं करेगा जब तक उसे क्या ना मिले? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट। किसको ना दे? कंपनी को देगा ना। लिस्टेड कंपनी और जो भी एग्रीड इन्वेस्टर है वो फाइल करेगा अपील किसके पास? सेट के पास, डिसीजन ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए सेट सेटिस्फाइड अगर है सफिशियंट कॉस्ट से तो वो क्या दे सकती है? 1 महीने का। आगे उन्होंने बोला है रूल्स में लिखा है, रूल्स में वही बात लिखी है, सुप्रीम कोर्ट 60 डेज, फर्दर 60 डेज अगर सफिशियंट कॉस्ट है। ये सारी बातें आगे भी अभी आ जाएगी, अभी आपकी बुक में नहीं दिख रहा है लेकिन अभी आएगी, बता दूंगी कहां मार्क करना है। पक्का क्लियर है ना? प्रोसेस बता पाओगे? पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? पहला क्या करना है बताओ? वेरी गुड। तो वेरी गुड। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो चिल्लू भर पानी लेना और डूब जाना, क्योंकि हम इंसान है कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इतनी सारी जगह तो चले गए। ठीक है, चलो बच्चा अब मेरी बात समझो। ठीक है, यहाँ दिख रहा है राइट टू अपील, फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है, दिखता जा रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको एक हेडिंग, पेजेस पलटो, अपील टू सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात बताई ना, बस मार्क कर लो, एनी पर्सन अग्रीव्ड ऑर्डर ऑफ किसके? सेट से। कहाँ फाइल करेगा? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। ठीक है, ये वाला बस मैं कह रही हूँ मार्क कर लो, क्योंकि वो कनेक्टेड मैंने पहले बता दिया था, बस मार्क करने को कह रही हूँ। क्या होता है? नहीं मिला मॉड्यूल में पेज नंबर क्या बता दो? 22, पेज नंबर 22 में ये हेडिंग दिखेगी, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। मिला? पक्का? न्यू बुक के हिसाब से यार नालायक। चलो बच्चा
फर्दर 60 डेज कब मिलेंगे, जब सफिशियंट कॉज होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी बच्चा, क्वेश्चन ऑफ लॉ दिख रहा है, समझना आप, सारी बातें सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये फालतू बातें मेरे पास मत लेकर आओ। सेट के पास गए, ठीक है, खुश नहीं है तो क्या हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे? नहीं। एक होता है बच्चा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, मैं उसका आई विटनेस हूं, मैंने उसको देखा मर्डर करते हुए, ठीक है, तो अब कोर्ट में ये प्रूफ हो रहा है, सेट में ये प्रूफ, कोर्ट में ये प्रूफ हो रहा है कि मैंने देखा कि नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा, किसी ने बोला नहीं नहीं दीदी की तो आंखें खराब थी, दीदी ने जब देखा ना तो चश्मा नहीं पहना था, तो उनको कुछ धुंधला सा दिखा, उनको लगा इसने मारा लेकिन इसने नहीं मारा, किसी और ने मारा। तो अब झगड़ा किस चीज का है? फैक्ट का। फैक्ट मतलब क्या है? फैक्ट मतलब जो वो इंसिडेंट वो हुआ, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। फैक्ट समझ में आया, मतलब जो भी केस है उसमें जो भी बातें रखी जा रही है उस पे अब क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट समझ में आया। क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो लिखा हुआ है लॉ में, लॉ में लिखा है कि भैया आपको ये सारे लॉ फॉलो करने चाहिए, ये करो ये करो ये करो, मैं इसका इंटरप्रिटेशन निकालू कि ये सब करना चाहिए, और कोई लॉ को पढ़ रहा है लॉ में बोले कि नहीं भैया ये तो नहीं लिखा है, इसमें तो कुछ और लिखा है, दो अलग अलग लॉयर लॉ का इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को समझ रहे अलग अलग तरीके से, तो बच्चा जज के पास जा रहे हैं और जज से पूछ रहे कि आप बताइए लिखा क्या है, मैंने जो कहा ये सही है या फिर ये कह रहे हैं ये सही है। तो अभी क्वेश्चन बात किस में आ गई है? क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस जाएंगे? अगर फैक्ट के झगड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है मैंने कंपनी से डॉक्यूमेंट मांगा और कंपनी कह रही हमने डॉक्यूमेंट दिया था, हमने तो भेज दिया था आप तक नहीं पहुंचा, तो ये कौन सा झगड़ा हो गया? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कंपनी क्या कह रही है? हमने भेजा देखो हमारे पास प्रूफ है। स्टॉक एक्सचेंज बोला नहीं 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 नहीं, तो ये सारे मैटर बस सेट में जाएंगे और वहीं खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं फालतू बात हमारे पास मत लेकर आओ, अब हम जाके सिस्टम नहीं चेक करेंगे किसी का कि भैया भेजा कि नहीं भेजा, ये सेट में ही खत्म हो जाएगा। मेरे पास कौन से मैटर आएंगे? लॉ का अगर इंटरप्रिटेशन, लॉ को समझने में गलती करे, कंपनी का सीएस बोल रहा है, मेरी कंपनी का सीएस बोल रहा है, हाईटेक कंपनी का सीएस बोल रहा है कि भैया लॉ में ये बात लिखी नहीं, आप हमसे डॉक्यूमेंट कैसे मांग सकते हो, और स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि नहीं नहीं लॉ में ये बात लिखी है, अब मैटर कौन सा हो गया? क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है मैं ऐसे केसेस से डील करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में हमेशा केस जाते हैं? कौन से केसेस जाएंगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि लॉ क्या बोलता है। क्या ये बात याद रहेगी? मुंह उठा के कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे फैक्ट्स को लेकर, ठीक। चल तो यहां पे आज की सभा हम करते हैं समाप्त, ठीक है।